इंस्टाग्राम पर रील लगाई थी तो आप सबकी मुझे बहुत शॉल की क्या प्राइस है? ये शॉल है, ये 2000 की। ठीक है, ये कितनी प्यारा लग रहा है गोटे का काम। इसकी बैक के लिए कुछ एक फैब्रिक लेने एक शॉल वाली दुकान स्लीव पे लगवाया और इसी की हमने अंदर इंस्टाग्राम की एक रील में ये शर्ट्स देखी थी लेकिन काफी एक्सपेंसिव थी। अभी इस वक्त मैं आई हुई चाइना मार्केट में, यहाँ से मुझे विंटर के लिए कुछ एक फैब्रिक लेने एक शॉल वाली दुकान पर मैं जा रही हूँ। वहां से मैं शॉल का कपड़ा लूंगी और उसको मैं क्या करवाऊंगी कैसे करवाऊंगी वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले शॉल शॉप का विजिट करवाते हैं, आ जाए। सो चाइना सेंटर की सबसे पहली शॉप का आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पर इनका कार्ड और शॉप का नेम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनके पास बड़ी ज्यादा वैरायटी है शॉल्स की क्योंकि विंटर्स में तो शॉल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यार ये जो आप शॉल देख रहे हैं ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी लेकिन ये पश्मीना की शॉल काफी एक्सपेंसिव थी। 6500 रुपए का कुर्ता मिल रहा था और मैंने इसे लोकल मार्केट में सिर्फ 2000 रुपए की शॉल ली और बाकी स्टिचिंग देकर इसे कस्टमाइज करवाया और मैंने इसको 2 पीस बनवाया था और दुपट्टा तो मेरा ऑब्वियसली घर से ही निकल आया था। चलिए जी आपको इधर कुछ शॉल्स की वैरायटी भी दिखाते हैं। अगर आप लोगों को अपनी अम्मियों के लिए या अपने लिए या आपकी शादी होने वाली और आप कोई बहुत ही एलिगेंट सी और बारात वलीमे के लिए कोई शॉल देख रही हैं तो आप यहाँ से इनकी शॉप से बाय कर सकती हैं। इनकी रेट जो है ना वो काफ़ी मुनासिब है एज़ कम्पेयर अदर शॉपकीपर्स। ठीक है, ये जो शॉल्स आप देख रहे हैं इनकी प्राइसेस जो थी वो स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो इनकी 2000 थी और 2000 से ऑनवर्ड इनकी प्राइसेस स्टार्ट होती जाती थी। ऑब्वियसली वही बात है, आप जितनी अच्छी चीज देखेंगे उसकी उतनी प्राइस बढ़ जाती है लेकिन फिर भी इनकी प्राइसेस काफी रीजनेबल लगी मुझे। पास ब्राइडल वेयर भी काफ़ी ज़्यादा थी शॉल्स के अंदर और इनके पास जो थी निशात की जो शॉल्स होती हैं उनकी रेप्लिका भी इन्होंने बना कर रखी हुई थी और लेकिन बहुत फाइन क्वालिटी की इन्होंने रेप्लिका बनाई थी। ये देखें, ये कितनी प्यारा लग रहा है गोटे का काम इसकी बैक पे। ये देखें, मैं ऐसे वेयर करके दिखाती हूँ, कितनी प्यारी शॉल है ये भी पश्मीना में बनी हुई है। 2000 रुपए की शॉल है, अच्छी लग रही है। नाइस, वेरी नाइस। वेल्वेट में, हाँ वेल्वेट में भी दिखाइएगा। वेल्वेट में ये है 5000 की, प्योर में ये 9000 में। ठीक है, ये कितने की है? ठीक है, ये प्योर में 5000 रुपए की वेल्वेट की शॉल है, ये भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये इसके ऊपर काम क्या हुआ है? ये नग से लगे हुए। ठीक है, ठीक है। और ये वाली कौन, ये कितनी रेंज में? ये 3500 में। ये चीज आजकल बहुत चल रही है, ये 4000 की है। ये हाँ, ब्राइडल के लिए किसी को शॉल चाहिए हो तो ये उसके लिए भी है। ये 4000 रुपए की है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें करीब से, ये भी 4000 की है। ये सारी 4000 की। ठीक है, 4000 की है ये, वो भी दिखाते हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये भी 4000 की है। ठीक है, ये ये मिरर वर्क में कितने की शॉल है? ये वाली? हाँ जी, ये आपको 2000 की। अच्छा, ये भी 2000 की है ये तमाम। और ये वाली आरी वर्क में जो मशीनी आरी वर्क है, निशात वालों का डिजाइन है, उनकी 18000 रुपए की शॉल है। अच्छा, और हमारे पश्मीना पे बनी हुई है ये, ये दिखाएं। 4000 की है ये, खत्म है। ये पड़ा हुआ है, हाँ ये पड़ा हुआ है। ये निशात कितने की आप कह रहे हैं? ये 4000 की, उनकी जो अपनी है ना ओरिजिनल जो उनका डिजाइन है वो 18000 की शॉल होती है। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा इसके ऊपर काम हुआ है, पश्मीना वालों ने बनाई है। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे रखूं तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये। नाइस, और इनके पास शॉल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर आपको प्रिंटेड शॉल्स भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारी शॉप्स लोकेट की हैं जो कि चाइना सेंटर और आशियाना सेंटर में, तो साइड बाय साइड में आपको इंशाल्लाह वो शॉप्स का विजिट करवाऊंगी। ये इनकी शॉप का कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन शॉल पसंद आए तो आप मंगवा सकते हैं। सो फाइनली मैंने अपने लिए ये वाली शॉल ली है और मुझे ये बहुत टाइम से लेनी थी। मैं लास्ट ईयर से इसकी तलाश में थी लेकिन ये मुझे एक शॉप पर नजर आ गई और इन्होंने मुझे ये शॉल जो दी है वो 2000 रुपीस की दी है। ठीक है, इसका जो कपड़ा था वो था पश्मीना का और जो आपको पता है पश्मीना ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं होती है, ये थोड़ी सी मिक्स पश्मीना होती है लेकिन हमारा गुजारा चल जाता है तो मैंने इसकी शर्ट बनवानी थी। जाता है आपको वूल का अगर बनाना चाहे तो अभी ये लेते हैं, फिर इसकी स्टिचिंग वगैरह करवा कर आपको दिखाते हैं। ये अंकल कर दें। सो इसका ट्राउजर मैंने कमर्शियल मार्केट क्लासिक मैचिंग सेंटर से लिया। आपको किसी भी तरह की मैचिंग चाहिए हो तो आपको यहाँ से मिलेगी, इनके पास हर तरह के कलर्स होते हैं मैचिंग में, तो मैं यहाँ से ही ट्राउजर्स का कपड़ा लेती हूँ, बेहतरीन होता है।
सो इस शर्ट का जो गला है वो मैंने बिल्कुल गोल रखवाया है, और इसके जो बाजू हैं उसके मिड में मैंने इसका एक बॉर्डर लगवाया और दूसरे बाजू पे हमने दूसरा बॉर्डर लगवाया, ठीक है। बाकी इसी तरह स्ट्रेट मैंने शर्ट इसकी बनवाई है, ठीक है। जिस तरह इसका बॉर्डर था हमने उसको उसी तरह रखवाया, और इसी बॉर्डर की हमने इसके साथ एजिंग करवाई है। और इसके साथ हमने प्लेन ट्राउजर लिया है, वो भी खद्दर का, और शर्ट की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 46 है और ट्राउजर की जो लेंथ है वो तकरीबन 39 है, और स्ट्रेट पैंट्स हमने इसकी बनवाई है। अब आपको इसको मैं कैरी कर कर दिखाया है कि मैंने इसको कैसे कैरी किया है। मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट खुस्से के साथ कैरी किया है, ठीक है, और थोड़ी सी मैंने इसके साथ एथनिक ज्वेलरी यूज़ की है। इस तरह के ड्रेसेस के साथ अगर आप इस तरह की ज्वेलरी पहनेंगे ना तो वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है और बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो प्लेन होते हैं, अगर आप उनके साथ थोड़ी सी ज्वेलरी इस तरह की पहन लें या थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहन लें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं पहने में। इंस्टाग्राम पर रील लगाई थी तो आप सबके मुझे बहुत क्यूरीज आई थी इस आउटफिट को लेकर, तो ये आउटफिट मैंने बनवाया है शॉल का, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ ये शॉल मैंने कहाँ से ली है, और शॉल भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बनी हुई है। एक बॉर्डर मैंने इसका यहाँ पे लगवाया, ठीक है, एक बॉर्डर इस स्लीव पे लगवाया, और इसी की हमने अंदर से एजिंग करवाई है, जो कपड़ा बच गया था, ठीक है ना, मैंने स्लीव पे इसकी एजिंग करवाई है, ठीक है। ऊपर से ये प्लेन है और नीचे से आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं, ये इस तरह से अंदर से ये है और बाहर से ये इस तरह से बना हुआ है, और साइड पे इस तरह से एजिंग हुई है इसके साथ प्लेन ट्राउजर। और अब मैंने इसको हील के साथ कैरी कर लिया, थोड़ी सी डार्क ब्राउन में हील हमने कैरी की है, ठीक है। अब आप इसके साथ कोई अच्छा सा बैग कैरी करें और इससे थोड़ा सा डार्क मेकअप कर लें तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। एक मैंने लुक आपको दिखाई है फ्लैट के अंदर और एक लुक मैंने आपको दिखाई है हील के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ यूं भी दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा सा लग रहा है, और नॉर्मल और मिनिमल सी हमने इसके साथ हील पहनी है। और बेसिकली इस शर्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन 46 के करीब है, और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं ये प्योर पश्मीना नहीं है, इसके अंदर मिक्स पश्मीना होता है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट फैब्रिक और विंटर के लिहाज से जबरदस्त है। आई होप आपको ये लुक भी बड़ी अच्छी लग रही होगी, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। सो मेरी एक वीडियो में मैंने गिव अवे अनाउंस किया था, और उसमें मैंने कहा था कि आप सबने मुझे बताना है कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सो लेट्स सी कि कौन विनर है। लाइव में आके विनर अनाउंस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ड्रेस भी दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।